कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए एक 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड को समर्थन देने के लिए सभी सांसद मौजूद रहें। केंद्र सरकार आज चुनाव कानून विधेयक 2021 राज्यसभा में पेश कर सकती है, जिसका कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को ये विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में पारित हो गया था। तो राज्यसभा में चुनाव कानून विधेयक आज पेश हो सकता है और विपक्षी दल इस पर हंगामा कर सकता है। तो लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, तो इसी के चलते विपक्षी दल ने आज एक व्हिप जारी किया है और अपने तमाम सांसदों को आज राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए ये व्हिप जारी किया है। तो आज राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। आपको बता दें, कांग्रेस ने सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा से चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। आपको बता रहे हैं, आज राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। कांग्रेस ने सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा से चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से राज्यसभा में आज चुनाव कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में आज कांग्रेस पार्टी ने भी व्हिप जारी की है तमाम राज्यसभा सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है ताकि वो राज्यसभा में उपस्थित रहें। चुनाव आयोग का संशोधन बिल जो है वो लोकसभा से पास हो चुका है और आज केंद्र सरकार की तरफ से इसे राज्यसभा के पटल पर लाया जाएगा। विपक्षी दलों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक नहीं कराया जाना चाहिए, जबकि सरकार का ये कहना है कि यदि वोटर कार्ड से आधार को लिंक कराया जाएगा तो जो फर्जीवाड़ा होता है, जिसका लगातार आरोप लगता रहता है कि फेक वोटर जाकर बार बार मतदान देकर आ रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं देश के सामने आती है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। यही वो ग्राउंड है जिसके आधार पर केंद्र सरकार चाहता है आधार कार्ड जो है वो वोटर आईडी कार्ड के साथ जुड़ जाए। लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और आज राज्यसभा के पटल पर केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल को रखा जाएगा, जहां पर बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को उपस्थित होने के लिए व्हिप जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सांसदों को राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए व्हिप जारी किया है। अब देखना ये होगा कि जब ये बिल राज्यसभा के पटल पर आएगा तो कितना हंगामा होता है या फिर बिना हंगामा के पास होता है। ममता, वहीं अगर बात की जाए, लगातार विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के पक्ष में नहीं है, यानी कि कोई भी मुद्दा जब राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है उसको लेकर कोई भी किसी भी तरह की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती और सरकार एक तरफा ये जो संशोधन है या फिर ये जो कानून है इनको पारित कराती रहती है। और उसी के चलते आज भी यहाँ पर कांग्रेस ने जो अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है, तो क्या लगता है कि आज काफी हंगामा यहाँ पर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं साहिल के केंद्र सरकार उनकी बातों को संसद के अंदर सुनने को तैयार नहीं है। जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है केंद्र सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही है और यही वजह है कि लंबे समय से गतिरोध का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा विपक्षी दलों के तकरीबन 12 राज्यसभा सांसद भी निलंबित है, तो ऐसे में जो गतिरोध है वो इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि आज राज्यसभा में जब ये बिल पास किया जाएगा या पेश किया जाएगा तो हंगामा होने के पूरे आसार नहीं, क्योंकि विपक्ष के लगातार आरोप लगाए जाते हैं उनके तो 12 राज्यसभा सांसद निलंबित है, तो ऐसे में इस बिल को राज्यसभा के पटल पर नहीं लाना चाहिए कि सरकार को, तो कहीं ना कहीं जो गतिरोध का सिलसिला है साहिल वो आज भी कायम रहेगा। जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। कांग्रेस ने सांसदों को सदन में रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है।
लोकसभा से चुनाव कानून संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।